1565 में विजयनगरा किंगडम के पतन के उपरांत साउथ इंडिया में मैसूर इमर्ज्ड एज अ प्रोमिनेंट प्रोविंस। मैसूर वॉज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ विजयनगरा किंगडम। इट बिगेन टू बी रूल्ड बाय द रूलर्स ऑफ वुडियर फैमिली। हालांकि वुडियर फैमिली के रूलर्स को वीक रूलर्स कहा और समझा जाता था। बाय द मिड ऑफ 18th सेंचुरी अ पर्सन फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड रोज इन टू प्रोमिनेंस। दिस पर्सन वॉज अ मिलिट्री सोल्जर और ये और कोई नहीं बल्कि हैदर अली थे। He brought several military reforms within the territories of Mysore with the help of French soldiers. 1755 में हैदर अली जी ने एक मॉडर्न आर्सेनल की स्थापना की थी डिंडीगुल नामक जगह पर। You will be surprised to know that this arsenal was established with French support and the main objective was to manufacture arms and weapons that too of modern qualities. इस प्रकार के कार्यों और इनिशिएटिव से हैदर अली जी ने सभी सोल्जर्स का दिल और ट्रस्ट जीत लिया था और आगे जाकर जब उन्हें पूरा सपोर्ट मिला सोल्जर्स का तो ही अलोंग विथ ऑल द सोल्जर्स वर एबल टू डीथ्रोन द वीक रूलर्स ऑफ वुडियर फैमिली इन 1761। शुरू से ही हैदर अली वॉज टोटली अगेंस्ट द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इन द सदर्न इंडिया। देयरफॉर ही वॉन्टेड टू स्टैंड अगेंस्ट ब्रिटिश बट इन अ यूनाइटेड फॉर्म। देयरफॉर ही फॉर्म्ड अ ट्रिपल अलायंस। इस ट्रिपल अलायंस में हैदर अली जी ने अपने साथ निजाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठास ऑफ वेस्टर्न इंडिया को एक साथ मिलाया और इन तीनों के एक साथ आने से एक ट्रिपल अलायंस फॉर्म हुआ इन ऑर्डर टू फाइट द ब्रिटिश अथॉरिटीज एंड दे कलेक्टिवली चैलेंज द ब्रिटिश फोर्स विच लेड टू द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर नामक युद्ध पूरे दो साल तक चला, दैट इज 1767 टू 1769। और इस युद्ध में हैदर अली नॉट ओनली फॉट ब्रेवली बट ही ऑल्सो कॉन्कर्ड लार्ज टेरिटरीज ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी। ये पूरी टेरिटरीज मद्रास के आसपास का रीजन था विच वॉज अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल एट दैट टाइम। इस पूरे युद्ध का अंत 1769 यानी 1769 में एक ट्रीटी के साथ हुआ। दैट ट्रीटी वॉज ट्रीटी ऑफ मद्रास। इस ट्रीटी के प्रोविजन के अनुसार जहां हैदर अली ने मद्रास के आसपास जितने भी एरियाज कैप्चर किए थे वो ब्रिटिश को वापस देने को तैयार हो गए, वहीं पर उन्होंने ब्रिटिश से ये अश्योरेंस लिया कि अब से ब्रिटिश मैसूर के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसके बाद क्या होना था, ब्रिटिश तो हार गई थी बट दे वर वेरी कनिंग सो दे स्टार्टेड टू अप्लाई द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, यानी कि फूट डालो राज करो। इस तरफ उन्होंने सबसे पहले हैदराबाद के निजाम और मराठास का सपोर्ट हासिल किया। जी हाँ, जब उन्हें ये पता चला ब्रिटिश को कि ट्रिपल अलायंस फॉर्म करके ही हमारी हार निश्चित हुई है तो उन्होंने निजाम और मराठास को फोड़ना शुरू किया और अपनी तरफ मिलाना शुरू किया। और होना क्या था, सिंस फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वॉज लैकिंग एट दैट टाइम अमंग द इंडियन मासेस, निजाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठास अग्रीड टू गिव देयर सपोर्ट टू ब्रिटिश अथॉरिटी एंड नॉट टू हैदर अली। एक तरफ जहां ब्रिटिश अथॉरिटी सक्सीडेड इन गेटिंग द सपोर्ट ऑफ निजाम एंड मराठास, वहीं दूसरी तरफ इट मार्क द एंड ऑफ ट्रिपल अलायंस। इवन हैदर अली वॉज स्मार्ट। ऑन द सेकेंड साइड हैदर अली कंटिन्यूड टू गेन द ट्रस्ट एंड सपोर्ट ऑफ फ्रेंच सोल्जर्स। मैसूर में एक छोटा सा फ्रेंच सेटलमेंट डेवलप किया गया था जिसे माहे के नाम से जाना गया। अंग्रेजों ने इस मुद्दे को बहुत सीरियसली लिया और माहे के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया अंडर द गवर्नर जनरलशिप ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स इन 1780। अटैक ऑन माहे वॉज डायरेक्टली एन अटैक ऑन द सॉवरेनिटी ऑफ हैदर अली विच लेड टू द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर।
द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर कॉन्टिन्यूड फॉर 4 years फ्रॉम 1780 टू 1784. दूसरी बार भी हैदर अली कॉन्टिन्यूड टू डिफेंड हिज टेरिटरी एंड फॉट ब्रेवली दिस टाइम अगेंस्ट ब्रिटिश मराठास एज वेल एज निजाम ऑफ हैदराबाद. हाउएवर He began to suffer from a prolonged illness. This illness attacked him on the very time of war only. Due to this illness only, इस बीमारी ने हैदर अली की जान 1782 में ले ली. We lost a brave soldier in 1782. He was then succeeded by another brave soldier named as Tipu Sultan. Tipu Sultan took over his father's war and continued to defend his territories in the second Anglo-Mysore war. Tipu Sultan was also an intelligent and a capable military person. He not only continued to defend his territory, take the war forward, but also apni kabiliyat, apni intelligence aur apni bahaduri ke dam par Tipu Sultan ne second Anglo-Mysore war ko draw karwa diya. In this battle, in the second battle of Anglo-Mysore War, none the side was able to make a decisive edge. Therefore, both the sides had to make this war draw. Is war ko barabari par hi khatm kiya gaya 1784 mein by signing the Treaty of Mangalore. Thank you so much for watching this video. Please do not forget to like, subscribe and comment. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.